Hello friends. In this video, we will talk about Lawrence durell one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Lawrence durell He was born in 1912 and he was died in 1990. And he was born in India. So. वो इंडिया में पैदा हुए थे बट लेटर सेटल इन ग्रीस लेकिन सेटल ग्रीस में हुए थे ही वॉज नॉवलिस्ट पोएट ड्रामेटिस्ट एंड ट्रैवल राइटर तो नावेलिस्ट भी थे ड्रामेटिस्ट भी थे एंड ट्रैवल राइटर थे ही ऑल्सो वर्क फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम किया था एज ए प्रेस अटैच ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन इजिप्ट तो उन्होंने प्रेस में काम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इन इजिप्ट तो इनके वर्क की तरफ चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट इज़ के पेपर में क्वेश्चन आ रखा है हु एमोंग द फॉलोइंग वर्स बॉर्न इन इंडिया तो कौन से चार ऑप्शन दिए जाते हैं कई बार तो कौन इनमें से इंडिया में जो जिनका जन्म हुआ है तो आंसर इज लॉरेंस डोरेल तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम लॉरेंस डोरेल और भी राइटर्स हैं जो हमने साथ के साथ करे हैं कि कौन कौन इंडिया में जिनका जन्म हुआ है तो वर्क्स की तरफ चलते हैं द वर्क इज

इट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एलेक्जेंड्रिया व्हिच इज इन इजिप्त अलेक्जेंड्रिया जो है उसकी प्रेजेंट कंडीशन जो वहां की है उसके बारे में बात करें अलेक्जेंड्रिया कहाँ इज़ इन इजिप्ट जूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे इजिप्ट में जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं द अलेक्ड्रिया क्वाटेट एंड फोर नॉवल्स जो ये टेट्रोलॉजी है ना टेट्रोलॉजी का मतलब फोर नॉवल्स तो इसके अंदर कौन सी कौन सी फोर नावल्स हैं वो देख लेते हैं द फोर नॉवल्स आर जस्टाइन एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन में पब्लिश हुई थी द सेकेंड नावल इज अल्थजार अल्थजार इट वॉज़ पब्लिश्ड इन नाइनटीन फिफ्टी एट एंड द नेक्स्ट इज माउंट ओलाइफ इट वॉज़ पब्लिश्ड इन नाइनटीन फिफ्टी एट एंड क्ली तो ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन सिक्सटी में तो so, इनकी इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है लॉरेंस ड्यूरल के बारे में जितना आपको करना है उतना ही मैं करवा रही हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट नॉवल्स होती है, है या प्लेस होते हैं या कोई भी पोइट्री कुछ भी हम उनको डिटेल में साथ के साथ कर रहे हैं और आपको कोई डिटेल में नॉवल करनी है और कुछ करनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो बना देंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होता है अभी इस राइटर के लिए हमें जितना पढ़ना है ये जो पी है ये बिल्कुल सफिशेंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो जितनी भी मैं पी दे रही हूँ तो उनको आप डिटेल में जो जितना दिया गया उतना कर लेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स के बिल्कुल भी चिंता ना करें क्वेश्चन आंसर्स हम थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बिल्कुल सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके बिल्कुल आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप सिक्वेंशली लाइन से वीडियोस देखिए तो आप क्वेश्चन आंसर्स को भी आराम से आंसर कर पाएंगे आप खुद को लगेगा कि हाँ मुझे ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक ही शर्त है कि आपको सारी वीडियोज जो सिक्वेंशली देखनी है ठीक है और जो पी वगैरह है वो मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूँगी द नेक्स्ट वर्क देखते हैं लॉरेंस डोरेल का द नेक्स्ट वर्क इज द एविग्नॉन क्वाइटेंट द एविग्नॉन क्वाइटेंट एंड इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन एटी फाइव ये कब पब्लिश हुआ 1985 में एंड दिस इज ए सेट ऑफ नॉवेल्स तो ये भी सेट ऑफ़ नावल्स है इन्होंने जो दो पहले लिखी थी वो भी सेट ऑफ नॉवल्स थी ट्रेटरोलॉजी थी और ये एविग एविग्न जो क्वार्टेंट है ये भी एक सेट ऑफ नॉवल्स है विच इज़ सेट ज्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो ये भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर इन्होंने लिखी है एंड द फाइव नावल्स आर जो इसके अंदर फाइव नावल्स है वो देख लेते हैं द फाइव नावल्स आर द फर्स्ट इज मॉन्सियर और प्रिंस ऑफ डार्कनेस तो इसको मॉन्सियर को इसका सेकेंड नेम क्या है प्रिंस ऑफ डार्कनेस तो इसीलिए मैंने मैंशन किया है क्योंकि कि कई बार

तो दिस आर द फाइव इम्पॉर्टेंट नॉवल्स विच इज़ अंडर एविग नॉन क्वाटेंट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फाइव नावल्स तो ये जितना लॉरेंस डोरल का है सफिशेंट है जैसे मैंने बताया तो इतना ही आप याद कर लीजिए कि उन्होंने कौन सी कौन सी राइटिंग्स लिखी थी और उनके अंदर कौन सी कौन सी नावल्स आ रही थी तो so, इनके अदर इंपॉर्टेंट जो वर्कस है वो आपको याद रखना है बिटल लेमेंस ऑफ बिटल ऑफ सेप्रस तो ये पब्लिश हुआ था 1953 में द नेक्स्ट इज़ द ब्लैक बुक ये भी पब्लिश किया था इन्होंने लॉरेंस ड्यूरेल की राइटिंग है तो ये आपको याद रखना है द फर्स्ट वर्क ऑफ लॉरेंस डूरेल्स स्पाइड पेपर ऑफ़ लवर्स तो ये भी इम्पॉर्टेंट है तो ये तीन अदर जो राइटिंग्स है वो भी आपको लॉरेंस ड्यूरेल की याद रखनी है तो ये हमारी टू नंबर की वीडियो है कल की वीडियो में हम करेंगे ग्राहम शिफ्ट तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब भी आप वीडियोस देखें तो लाइक जरूर करें क्योंकि बनाने वाले के लिए बहुत एक मायने रखता है आपका लाइक आपकी कमेंट और आपका जो, जो सब्सक्रिप्शन है वो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक भी करें शेयर भी करें अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में ताकि जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ पाए उनको भी पता चले कि ब्रिटिश लिटरेचर पूरा सिलेबस मैं कहूँगी इंग्लिश लिटरेचर हम कैनाडियन अमेरिकन अफ्रीकन सारे जो कंट्रीज़ के जो लिटरेचर है इंग्लिश लिटरेचर वो कवर करेंगे हमारी इन वीडियोस में तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें कोई डाउट हो तो कमेंट करें मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें उसी पर सारी आपको नोट्स प्रोवाइड Ke Thank you for watching and have a great day.